हेलो एवरीवन, यह है वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आज हम वीडियोस वर्ल्ड में सीखेंगे कि कैसे हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो हाउ टू ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम SFD एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। वेरी इजी। तो सबसे पहले हम आज की वीडियो में एक सिंपल सपोर्टेड बीम पर एक पॉइंट लोड की वजह से शियर फोर्स डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखेंगे, केवल कंसेप्ट समझने के लिए। उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये एक सिंपल सपोर्टेड बीम है जिस पर एक लोड लगा हुआ है आपका 10 kN सेंटर वेव, और इस बीम के स्पैन की लेंथ है आपकी 10 मीटर, और ये सेंटर में लोड लगा हुआ है इसलिए 5 मीटर। ठीक है, अब जैसे कि हमें पता है कि ये सिमेट्रिक है बाय लोडिंग, तो जो रिएक्शन होगी वो टोटल लोड के हाफ होगी। तो टोटल लोड हमारा 10 है, तो रिएक्शन होगी 5 kN 5 kN। रिएक्शन कैलकुलेट करने के बाद आपको इस तरह से जो सपोर्ट जहां जहां पर सपोर्ट से और लोड है वहां वहां पर ऐसे सेंटर लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करेंगे शियर फोर्स के लिए FD, और एक लाइन हम हॉरिजॉन्टल खींचते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए। ठीक है, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब देखिए ये एरो है यहां पे जो अप ऊपर की ओर जा रहा है जिसकी वैल्यू है 5 kN। तो हमने ऊपर की ओर एक लाइन खींच दी और इस लाइन की वैल्यू को दे दिया हमने वैल्यू 5 kN। ठीक है, जैसे कि ये एरो है। इसके बाद हम हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे जब तक कोई लोड नहीं आता है। तो कोई लोड नहीं है यहां तक के, यहां पर लोड है 10 kN डाउनवर्ड, तो ये तो 5 अप था, तो नीचे की ओर जाएंगे, नीचे के डायरेक्शन में 5 कंप्लीट हो गया क्योंकि ऊपर 10 लगा हुआ है, तो 5 और जाएंगे। फिर हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे, हॉरिजॉन्टल मूव करना होता है जब तक कोई लोड ना आए। ये अभी ये जो वैल्यू है ये 5 है, 5 kN, और ये 5 kN है। तो ये लाइन जो है 5 kN की जा रही है, यहां पे जाते है एक लोड मिल जाता है जो ऊपर की ओर जा रहा है 5, तो ये 5 यहां पे फिनिश हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये 5 kN। शियर फोर्स डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करना है। ठीक है, सेकेंड अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो बेंडिंग मोमेंट क्या करना है आपको, इस शियर फोर्स का एरिया ले लेना है। जैसे कि इस रेक्टेंगल का एरिया अगर हम इधर की ओर बढ़ें तो रेक्टेंगल इतना लेते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो रेक्टेंगल बढ़ता जाएगा, हमारे पास मिलता जाएगा बड़ा, और यहां तक जाएंगे तो पूरा रेक्टेंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां तक जाने पे हमारा क्या है, यहां तक पूरा रेक्टेंगल आ रहा है एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, 5 ये, और इसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर इंटू 5 इज इक्वल टू 25। तो इस तरह से यहां पे 0 होगा मूवमेंट क्योंकि हमारा सिंपल सपोर्टेड है। 0 होते होते रेक्टेंगल का एरिया बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और यहां पे जाकर हमें कितना मिल रहा है 25 kN अपवर्ड। सेम यही एरिया अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमें डाउनवर्ड एरिया मिलता जा रहा है जिसकी वैल्यू भी 25 है। तो ये है हमारा बेंडिंग मोमेंट, इसमें मैक्सिमम मोमेंट आपकी क्या है 25 kN/m। तो इस तरह से हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ये सिंपल सपोर्टेड का बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम तो, लेकिन हम किसी भी बीम का कर सकते हैं। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपल सपोर्टेड के अभी 4-5 वीडियो बनेगी, इसमें अलग अलग तरह के सारे लोड UDL UVL और सबका कॉम्बिनेशन लोड लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट सीरीज चलेगी आपकी फिक्स बीम की, फिर कैंटिलीवर, फिर कंटिन्यूस बीम, फिर फ्रेम्स की। और आपको ये एक बार समझ में आ गया तो कभी भी याद करने की जरूरत नहीं है। होता क्या है कि हम बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम पढ़ते हैं, समझते हैं, और फिर बीच में गैप आने की वजह से फिर हम भूल जाते हैं, फिर हर बार हमें पढ़ना पड़ता है, लेकिन इस कंसेप्ट से आप कभी नहीं भूल पाओगे। थैंक यू।